स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, फर्स्ट और सेकंड के लिए मैंने एक टॉपिक बनाया है। तो मैथ है सब्जेक्ट, जो है मैथ टॉपिक, जो है मंथ ऑफ द ईयर, यानी साल के महीनों के नाम हमने लिखे हैं। ये T1 में है, ये फर्स्ट वाले भी पढ़ सकते हैं, थर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं, ये सब के लिए है। लेकिन मैं हमने ऊपर क्लास लिखी है सेकंड और फर्स्ट। तो मैथ मंथ ऑफ द ईयर, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे JANUAR वाई जनवरी। इसमें कितने डेज होते हैं? 31 डेज। तो साल का सबसे पहला महीना है जनवरी, इसमें 31 दिन हैं। सेकंड मंथ जो है फरवरी, इसमें 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं। इस साल इसमें 29 दिन थे, तो 2020 में फरवरी में 29 डेज थे। और हर 3 साल के बाद चौथे साल में फरवरी के 29 डेज होते हैं, याद रखना। तो तीसरा मंथ है मार्च, 31 डेज होते हैं इसमें, ये भी याद रखना। फोर्थ मंथ जो है ये अप्रैल है, इसमें 30 डेज होते हैं। फिफ्थ मंथ जो है मई है, इसमें 31 डेज होते हैं, याद रखना प्लीज़। तो सिक्स मंथ जो है वह है जून, इसमें 30 डेज होते हैं। और सेवन्थ मंथ जो है जुलाई, इसमें 31 डेज होते हैं। और एट मंथ जो है ये है अगस्त, AUGUST अगस्त, इसमें 31 डेज होते हैं। और नाइन मंथ जो है वो है सितंबर, इसमें 30 डेज होते हैं। और टेंथ मंथ जो है ईयर का वो अक्टूबर है, इसमें 31 डेज होते हैं। और एलेवंथ मंथ जो है नवंबर है, इसमें 30 डेज होते हैं। और ट्वेल्थ मंथ जो है ईयर का, साल का लास्टी महीना दिसंबर, पता है जब स्कूलें बंद हो जाती हैं, बर्फ़ पड़ती है, तो इस महीने को दिसंबर कहते हैं। ये साल का लास्टी महीना है, इसमें 31 डेज होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, वो महीना बताइए जो साल का पहला महीना है, उसका नाम बताइए। तो साल के पहले महीने का नाम क्या है? शाबाश, ये क्या लिखा है? JANUARY जनवरी। तो मैं आपको पूछूंगा एक सवाल, विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का आखिरी महीने का नाम क्या है? तो उसका नाम है लास्ट, 12वां महीना, 12 मंथ होते हैं साल में, दिसंबर। तो इसमें कितने डेज हैं? 31 डेज। अब मैं आपको एक और सवाल पूछूंगा, शाबाश, कि 31 दिन वाले कितने महीने हैं? ज़रा आपको मैं सब बताता हूँ, गिन के बताओ मुझे 31 दिन वाले कितने महीने हैं, शाबाश। ऊपर से हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, शाबाश, 7 मंथ जो हैं ये 31st डेज के हैं, यानी 31 दिन के हैं, शाबाश। अब एक और मैं सवाल आपको पूछूंगा, 30 दिन वाले कितने महीने हैं, शाबाश, 30 दिन वाले, 30 डेज वाले, 1, 2, 3, 4, 4 मंथ जो हैं ये 30 डेज वाले हैं। तो हमने पढ़ा पहला सवाल, विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, कौन सा आखिरी महीना है साल का, या साल का कौन सा आखिरी महीना है? तो हमने आंसर लिखा, जवाब लिखा, दिसंबर, दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर, दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, साल का आखिरी महीना जो है वो दिसंबर है। अब हम सवाल पूछेंगे, शाबाश, आप बता सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, स्कूल में फर्स्ट क्लास कौन होती है? शाबाश, KG, ठीक है, या अव्वल। इसी तरह साल का पहला महीना कौन सा है? जनवरी, जो आपने पहले ऊपर पढ़ा, JANUARY जनवरी, जनवरी, JANUARY जनवरी। तो अब आपको लिखना है होमवर्क, जो है होमवर्क, ये आपको खुद लिखना है। नेम ऑफ द मंथ्स विच
थर्टी डेज, उन महीनों के नाम लिखने हैं जिनके 30 दिन हैं, ये भी 4 महीने हैं उसके अलावा नहीं है। आपको मैंने हिंट दे दी कौन से 4 महीने हैं जिनके 30 ही दिन होते हैं, 31 नहीं होते हैं, 29 नहीं होते हैं, 28 नहीं होते हैं। तो ये आपको जब वीडियो पहले देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इन ये महीने जो हैं ये 31 दिन के हैं। नेम ऑफ द मंथ्स विच हैव 30 डेज, नाम लिखने हैं उन महीनों के जिनके 30 ही दिन होते हैं। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह पढ़ा होगा, और अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट में और वीडियो की कमेंट में लिख सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कहाँ कहाँ कमियाँ कोताहियाँ रही हैं, तो उन्हें हम दूर करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो थोड़ा बहुत लाइट अच्छी नहीं है तो इसके लिए मैं माजर खवा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट में और बेटर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा।